इस वक्त हम खड़े हैं जबलपुर ज़िले की सिहोरा तहसील में। एक तरफ देश के अलग अलग इलाकों से आप समाज को शर्मसार होते हुए देखते हैं, वहीं पर एक आदमी की मृत्यु हो जाने के बाद एक महिला जो मेरे बाजू में खड़ी है, उनने समाज के लिए एक तस्वीर, एक मिसाल पैदा की है। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। माता जी, आपका नाम क्या है? रामराती। आप? रामराती चौधरी। जिनकी मृत्यु हो गई है बराऊ जात के। अच्छा, उनको आप कैसे जानती हैं? हम नहीं जानते, यहाँ कचरा बीनते रहे हैं तो इधर ही हम उसको पाले हैं, पड़ा रहा स्टेशन में। अच्छा। एक रोटी देते रहे, कपड़ा धोते रहे, तो सर जानते हैं हम आपका। और जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनके घर परिवार में कोई नहीं? कोई नहीं। तो आप उनकी रिश्तेदार भी नहीं है? हाँ हाँ। अच्छा, अभी क्या हुआ है? ये हम परसों के दिन चले गए हैं जबलपुर, तो यहाँ फ्रैक्चर हो गया था, पलस्तर बनवाने गए, तो ये इधर रात के काल सर से थाने से फोन गया कि वो बराऊ जात का, अरुण जात का ख़त्म हो गया। तो हम लोग मोहल्ला के सब आए, तो साथ में आए रात में। कितने सालों से जानते हैं आप? ये 40 साल। और ये क्या अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करते थे, क्या काम? ये कुछ नहीं करता रहा, स्टेशन में ऐसे भीख मांगता रहा, बैठा रहा है, जो कोई 2 रुपया 4 रुपया दे देता रहा, बस इतने सर रहा। अब जब उनकी मृत्यु हो गई है, हाँ, तो उनका अंतिम संस्कार वगैरह आप कैसे करेंगे? हम कर गए। अच्छा। मदद करोगे आप तो कर देंगे सरकार। हाँ। की तरफ से, शासन? हाँ। की तरफ से कोई आया आपके पास? कोई नहीं आया। तो आपकी मदद कौन कर रहे हैं फिर? आप लोग करोगे सर। तो ये हमारे समाज की एक तस्वीर है जहाँ एक आदमी जो है वो भीख मांगते हुए मर जाता है, लेकिन उसके अंतिम संस्कार के लिए भी उसकी ही जान पहचान का, जो उसका रिश्तेदार भी नहीं है, वो व्यक्ति आम लोगों के सामने हाथ जोड़ता है कि उसके अंतिम संस्कार के लिए कुछ कर दिया जाए। यहाँ प्रशासन से मेरा सवाल है कि कैसे सिहोरा नगरपालिका के अध्यक्ष, इस क्षेत्र के विधायक और तमाम जो लोग सत्ता पर काबिज हैं या बड़े लोग हैं, वो ऐसे मामलों को संज्ञान में क्यों नहीं लेते हैं? अब हमारे इनका अंतिम संस्कार करने की बात आई, जब यह खबर निकल कर सामने आई तो बहुत सारे लोग ने, हमारे मीडिया के ही कुछ साथी और समाज के कुछ लोगों ने इनके लिए पैसा इकट्ठा किया और तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो आइए हम इन लोगों से भी बात करते हैं कि कैसे ये चीज़ें कर रहे हैं। आपका नाम? आपका नाम? आनंद मणि त्रिपाठी। आपको कैसे पता चला इससे? मैं अभी SDM कार्यालय में था, मुझे जानकारी लगी कि ऐसा ऐसा घटना है, एक भीख मांगने वाले स्टेशन में उनकी कल मृत्यु हुई। तो हमारे साथी पत्रकार सत्येंद्र के द्वारा में जानकारी लगी, तो हम लोगों ने कहा कि अभी शासन से तो कोई सुविधा मिलना तुरंत में तो वाजिब नहीं है। तो हम लोगों ने समाज के कुछ लोगों से सहयोग की भावना को लेकर उनसे बात की, उन लोगों ने हमें सहयोग किया। और आज पर हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जिनके परिवार में कोई नहीं है और उनकी मौत हो जाती है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे में शासन प्रशासन की कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए? शासन प्रशासन की जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन अभी तुरंत में उनको सूचना मिल पाई नहीं मिल पाई उसका संज्ञान तो नहीं है। तो उनको लगातार फ़ोन करने की कोशिश की जा रही है, पर वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे। तो उसकी संज्ञान में कितना समय लगा है, उसको कार्रवाई करने का अनुरूप देने में कितना समय लगेगा, नहीं हो सका, इसलिए हम लोगों के द्वारा जो समाज से जो सहयोग हो सकता था वो सहयोग करके हम लोग लेके आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है, इस देश की ये तस्वीर है, समाज की ये तस्वीर है कि लोग जो हैं वो मर जाते हैं पर उनके बारे में शासन प्रशासन को कोई खबर नहीं मिलती, और आम लोग, आम आदमी जो सिर्फ वोट देने के लिए होता है, वही इस पूरे मामले में मदद करता है। यह दिन गिरते मानवता के स्तर के बाद भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मानवता की मिसाल कायम करते हैं। वैसे ही ये जो आपने खबर देखी जिसमें ये माता जी थी, ये एक असहाय व्यक्ति को, एक अंधे व्यक्ति को पिछले 45 साल से अपना भाई मान रही थी, और जब आज उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी सहायता करने वाला जब कोई नहीं था, तो यह निराश्रित महिला जो खुद स्वयं पटरियों पर पन्नी बीनती है, वह इस आदमी के लिए आगे आई है। आप यह खबर देख रहे थे thelokniti.com पर। मैं हूँ शिवम दुबे और मेरे साथ मेरे सहयोगी चंद्रमणि त्रिपाठी जी। धन्यवाद।